अंतःखंड कोई रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी x अंतःखंड कहलाती है। इसी तरह कोई रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी y अंतःखंड कहलाती है। रेखा का समीकरण, समीकरण y बराबर 2x + 4 पर विचार कीजिए। क्या आप ऐसे निर्देशांकों के युग्म ज्ञात कर सकते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करें? उदाहरण के लिए x बराबर 0 के लिए हमें मिलेगा y बराबर 2 × 0 = 4 यानी y बराबर 4। इसलिए 0, 4 इस तरह का एक निर्देशांक युग्म है। इसी तरह के दूसरे निर्देशांक युग्म ज्ञात कीजिए। अब इन बिंदुओं को आलेखित कीजिए। आपने किस तरह की रेखा खींची? क्या यह सरल रेखा है? अब आप एक ऐसी रेखा पर विचार कीजिए जिसकी ढाल 2 और y अंतःखंड 4 है। यह रेखा बिंदु 0, 4 से गुजरेगी। इस रेखा पर कोई बिंदु PXY लीजिए। अंतराल AP की प्रवणता बराबर y·4/x·0 बराबर y·4/x। ये प्रवणता है और चूंकि हमें दिया गया है कि रेखा की ढाल 2 है तो हम लिख सकते हैं y·4/x = 2। इन्हें हल करने पर हमें मिलेगा y = 2x + 4। यह उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु 0, 4 से गुजरती है और जिसकी ढाल 2 है। चूंकि बिंदु P भी इस रेखा पर स्थित है इसलिए बिंदु P xy के निर्देशांक y = 2x + 4 को संतुष्ट करते हैं। आइए अब एक ऐसी रेखा पर विचार करें जिसकी ढाल m और y अक्ष से अंतःखंड c है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा? यह रेखा बिंदु A यानी 0, c से गुजरेगी। मान लीजिए कि इस रेखा पर बिंदु PXY है। अंतराल AP की ढाल बराबर y·c/x·0। लेकिन हमें पता है कि इस रेखा की ढाल m है इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि y·c/x·0 = m। इसे हल करने पर हमें मिलेगा y·c = mx। इसे और आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा y·mx·c। अर्थात कार्तीय समतल में उस रेखा का समीकरण y·mx+c है जिसकी ढाल m और y अक्ष से अंतःखंड c है। विलोमतः वे सभी बिंदु जिनके निर्देशांक समीकरण y·mx·c को संतुष्ट करते हैं सदैव उस रेखा पर स्थित होंगे जिसकी ढाल m और y अक्ष से अंतःखंड c है। उदाहरण 9, रेखा की ढाल या प्रवणता और y अक्ष से अंतःखंड लिखिए। पहला है y·7x·5 और दूसरा है y·x·5। आइए अब इनका हल देखें। पहले समीकरण को हम लें y·7x·5। इसकी तुलना व्यापक समीकरण y·mx·c से करने पर हमें मिलता है m·7 और c·5। इसलिए रेखा की ढाल 7 और y अक्ष से अंतःखंड −5 है। दूसरे समीकरण पर गौर करें y·x·5 की तुलना y·mx·c से करने पर हमें मिलता है m·1 और c·5। इसलिए रेखा की ढाल −1 और y अक्ष से अंतःखंड −5 है। हमने सीखा, पहला, यदि किसी समतल पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं xOx' व yOy' एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करें तब हम xOx' को x अक्ष, yOy' को y अक्ष कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु O मूल बिंदु तथा यह समतल निर्देशांक समतल कहलाता है। दूसरा, निर्देशांक समतल में किसी बिंदु के लिए x निर्देशांक y अक्ष से लंबवत दूरी व y निर्देशांक x अक्ष से लंबवत दूरी के बराबर होता है।
तीसरा, निर्देशांक समतल पर किन्हीं दो बिंदुओं पी एक्स वन वाई वन व क्यू एक्स टू वाई टू के बीच की दूरी पी क्यू बराबर वर्गमूल के अंदर एक्स टू ऋण एक्स वन पूरे का वर्ग धन वाई टू ऋण वाई वन पूरे का वर्ग होती है। चौथा, समतल पर रेखा की ढाल या प्रवणता वाई टू ऋण वाई वन बटे एक्स टू ऋण एक्स वन, जहाँ एक्स निर्देशांक के ए बिंदु से बी बिंदु तक परिवर्तित होने का मान एक्स टू ऋण एक्स वन है तथा वाई निर्देशांक के ए बिंदु से बी बिंदु तक परिवर्तित होने का मान वाई टू ऋण वाई वन है। पांचवा, ऐसी रेखा जिसकी ढाल एम और वाई अक्ष से अंतःखंड सी हो का समीकरण y बराबर mx धन c होता है।